हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 16 सितंबर। 16 सितंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की जो हमारे करंट अफेयर्स होने वाली है, यहाँ पे 20+ क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या पुलिस का हो, बैंक का हो, डिफेंस का हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, बात की जा रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। फैक्ट की बात करेंगे, फैक्ट की बात करने से पहले, अगर आपके चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करने से फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी की और भी सारी हमारी सीरीज चल रही है, सभी की सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके भी क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करिए। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और लोगों के लोकतंत्र की महत्वता को याद कराने का अवसर प्रदान करना है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की बात किया है, 2007 से की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा की गई थी, यूएन के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण किया हुआ? याद रखिएगा, कौन सा मोबाइल ऐप है? तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है, और ये जो ऐप है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर बात किया तो असम की सरकार के द्वारा, किसकी? असम सरकार के द्वारा यहाँ पे सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया गया है। फैक्ट की बात की तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद नाम से ऐप है, उसका अनावरण किया हुआ है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? सरपंच अपने गांव में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं और सर्वोत्तम जो प्रथाएं उनके बारे में जान सकते हैं, साथ ही देश भर में कनेक्शन को भी बढ़ावा दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो सरपंच संवाद ऐप है असम सरकार की अच्छी पहल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री के राज्यपाल की बात किया है तो गुलाब चंद कटारिया है। आप लोग मुझे मुख्यमंत्री बताइएगा कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित, किसके है? जो संपत्ति है उस संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डिड योजना शुरू की है। कौन सी है? गिफ्ट डिड योजना, याद रखिएगा, गिफ्ट डिड योजना यहाँ पे शुरू की गई है। तो अगर बात की जाए गिफ्ट योर डिड योजना की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू की है, जो संपत्ति संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को कमी लाने के लिए। फैक्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गिफ्ट डिड की संपत्ति ट्रांसफर या दान करने को स्थायी कर दिया है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? जो गिफ्ट डिड है उनमें अपनी संपत्ति होती है उसको ट्रांसफर और दान करने के लिए स्थायी कर दिया है। अब संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपए ही देना होगा। कितना देना होगा? 5,000 रुपए केवल स्टाम्प शुल्क ही यहाँ पे लगेगा। पहले क्या होता था? 50,000, 10,000, 1,00,000 के स्टाम्प शुल्क लगते थे। जो पहले संपत्ति की लागत के 5% और राज्य की अन्य हिस्सों के 7% था। इस उपहार में दी गई संपत्ति को कृषि संपत्ति भी शामिल है। याद रखिएगा, इस संपत्ति में कृषि संपत्ति भी शामिल है। और ये गिफ्ट डिड योजना की अगर कभी भी क्वेश्चन में आए, तो गिफ्ट डिड योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू की है संपत्ति की समस्याओं को कम करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हो सकता है एग्जाम में इसी साल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? यार कौन सा है? स्किल इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे तो ये पुरानी योजना है, लेकिन फिर से यहाँ लागू की जा रही है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत के कौशल, शिक्षा, नौकरी बाजार और उद्यमशीलता वातावरण में सामंजस्य क्रांति लाना है। SID स्किल इंडिया डिजिटल कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार, उद्यमता, पारिस्थितिकी तंत्र, जो पर्यावरण है उसके लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा, जो पर्यावरण है स्किल इंडिया के माध्यम से अच्छा इसको कुशल बनाना है और रोजगार वगैरह शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है किसको नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश के पवन कुमार सेन को यहाँ पे नियुक्त किया गया। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पवन कुमार सेन 2005 के बैच के
एजीएम यूटी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी हैं और वह जो सेन जी है वो पिंदना सिंगला की जगह की भूमिका लेने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो निर्वाचन की जब भी बात आती है चुनाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन पवन कुमार सेन को यहाँ पे नियुक्ति के लिए किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये जो आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किसे देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की गई है। याद रखिएगा, बात की जा रही है कि भारत में किस देश के साथ सौर ऊर्जा के लिए, इसके लिए सौर ऊर्जा के लिए आयात की 76% की उसने कटौती कर दी है। तो किसने की हुई है? चीन देश ने की हुई है। याद रखिएगा, भारत चीन से सौर मॉड्यूल के आयात में 76% की कटौती की गई है। सौर विनिर्माण मतलब कि सौर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिस्पर्धा को दर्शाया जाता है। भारत लगातार चीन से आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। याद रखिएगा ये भी है कि परमानेंट भारत चीन से जो आयात होते हैं उनके निर्भरता को कम कर रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को यहाँ पे फायदा होने का ज्यादा लाभ मिल सके। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के द्वारा देश में सौर ऊर्जा के निर्यात के लिए, इसके लिए सौर ऊर्जा के निर्यात के लिए 76% मतलब कि सिर्फ 24% की हिस्सेदारी रह गई है आयात के मामले में, 76% की हिस्सेदारी कम कर दी गई है। तो चीन से भारत अब चीन से 76% सौर ऊर्जा के जो आयात है उनकी कटौती यहाँ पे कर ली गई है और भारत की जो कंपनियां उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की हुई है। कौन सी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड जारी की है, तो लीना कुमार के द्वारा अपनी पुस्तक को लॉन्च किया गया। फैक्ट देख लेते हैं, लीना कुमार ने आत्मबोध पर, यार के किस चीज पर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीना कुमार जो पुस्तक है किस चीज पर है, तो आत्मबोध पर अपनी पहली पुस्तक जारी की है जो गीतिका सहगल के बीजा हाउस द्वारा प्रकाशित है। लीना कुमार फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, मनोवैज्ञानिक, लेखक और उद्यमी भी रही है। जो लीना कुमार है फिल्म पुरस्कार विजेता भी, अभिनेत्री है मतलब एक्टर भी रही है, मनोवैज्ञानिक लेखक भी रही है और व्यापारी भी रही है, वो मतलब बिजनेसमैन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड तर्कसंगत व्यवहारिक साधक नेताओं और अग्रदूतों विद्रोहियों और स्वतंत्र आत्माओं के लिए जानी जाएगी। तो याद रखिएगा जब पुस्तक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक लीना जो कुमार है उनके लिए ये पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने फॉरेन जो मिनिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त की बात किया, तो गोपाल बांगले जी को नियुक्त किया गया और इनके बारे में कुछ बातें जानती है, बहुत इंपोर्टेंट बातें हैं। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बांगले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त अधिकारी बनाया गया है। बांगले 1992 के बैच भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, वर्तमान में वह कहां पे कार्यरत है, तो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त है। गोपाल बांगले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोहरा का स्थान लेंगे। अभी कौन है ऑस्ट्रेलिया में? मनप्रीत वोहरा है, अब उनका स्थान गोपाल बांगले लेंगे। गोपाल बोंगरा अभी कहां पर है, तो याद रखिएगा गोपाल बोंगरा अभी जो तैनात है वो श्रीलंका में है। ठीक है, बांगले विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी वह कार्य कर चुके हैं। तो इंपोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में अब इनकी नियुक्ति की गई है अगले उच्चायुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की बात की जाती है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अपना एक आप में उपक्रम है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का लाभांश दिया हुआ है। याद रखिएगा सरकार को दिया हुआ है, क्या दिया है? लाभांश दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो 1831.09 करोड़ का मतलब 1831.09 करोड़ का इन्होंने लाभांश दिया हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनी LIC ने अपने गठन के 67 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। याद रखिएगा 67 ईयर्स पूरे किए हैं। 1956 में 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ कारोबार शुरुआत की थी और 31 मार्च 2023 को स्थिति के अनुसार LIC के पास 40.81 मतलब कि 40.81 लाख करोड़, कितना है लाख और करोड़ दोनों है, याद रखिएगा, रुपए की जीवन निधि के साथ 45.50 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का आधार है। तो आप समझ सकते हैं जिस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए की लागत चालू की और 45.50 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अब इसने बना ली है, तो बहुत बड़ी कंपनी बनी है। भारत में ऐसी बहुत सारी बैंक है जो भारतीय जीवन बीमा निगम से लोन तक लेती है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फिर से अब नए करंट अफेयर्स की और वो रहेगी वन लाइनर के माध्यम से।
यहाँ पे हम करंट अफेयर्स ही बात करेंगे जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है, लेकिन वन लाइनर के हम 10 करंट अफेयर्स अभी कंप्लीट करके आए और 10 करंट अफेयर्स अभी हम और पढ़ने वाले हैं। हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया जाएगा, याद रखिएगा बात कर रही है नौसेना किला, नौसेना जो दिवस है भारत में अब वो किस किले में मनाया जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु दुर्ग किले मनाया, कहाँ पे? सिंधु दुर्ग किले में इस बार नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो अफगानिस्तान में, याद रखिएगा भारत के राजदूत के रूप में अफगानिस्तान में नियुक्त है, लेकिन चीन ने भी अपना नया राजदूत नियुक्त किया है झाओ जिंग को अफगानिस्तान में। हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया, तो पंजाब राज्य में, कहाँ पे? पंजाब राज्य में मिशन इंटेसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया हुआ है, तो गुजरात के, तो गुजरात की जो विधानसभा है उसका डिजिटल रूप से उद्घाटन किया हुआ है, तो किसने किया हुआ है, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ है, तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में मदन लाल रेंगर किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य की स्थिति आप लोगों को पता होगा कि ये मध्य अफ्रीका की महाद्वीप में पड़ता है, कहां पे? मध्य अफ्रीका महाद्वीप में कांगो गणराज्य पड़ता है। भारत के अगले जो राजदूत होंगे वो मदन लाल रेंगर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के हमारे सेशन के अंतिम पड़ाव पर है, और उम्मीद है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हमारी आपकी फैमिली बड़ी होगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे MPPSC की भी पूरा टॉपिक वाइज चला रहे हैं, जो वीडियो है प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है और वीडियो आ रही है, फ्री में वीडियो आप लोगों को देखने का मजा अलग ही होता है विद PDF के माध्यम से, तो आराम से उसका भरपूर लाभ उठाइएगा। क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया हुआ है, तो जोसित रंजन सिकंदर ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, तो गोपाल बांगले को किया हुआ है। पिछले मैंने अभी आपको आगे क्वेश्चन में गोपाल बांगले के बारे में डिटेल्स बताया, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया हुआ है, ये कहाँ पे अभी कार्यरत है और इनके बारे में पूरी डिटेल्स बात की। तो आज के सेशन में इतना ही था, एक नए वीडियो में फिर से बात करेंगे, वीडियो में आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।